ये तो हम सब जानते हैं कि ओडिशा का 700 साल पुराना कोणार्क टेम्पल एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मेन एंट्रेंस इक्विनोक्सिस के दिन, यानी कि वो दिन पे जब सन डायरेक्टली इक्वेटर पे शाइन करता है और जब डे और नाइट की ड्यूरेशन जो है वो सेम रहती है, तो ये इक्विनोक्सिस के दिन राइजिंग सन के साथ ये कोणार्क टेम्पल की जो मेन एंट्रेंस है वो परफेक्टली अलाइंड है। जरा सोच के देखिए, इतने सालों पहले बिना कोई टेक्नोलॉजी, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट्स के ये लोगों ने किया कैसे होगा? तो अगर आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि यह किस तरह से मुमकिन है, तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।